A very warm welcome to today's session with me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well, staying home, staying safe, and taking good care of yourselves and your loved ones. So let's get started with the super duper amazing session of one shot of the chapter French Revolution. साथ ही साथ वी क्विज भी है और वी क्विज का लिंक आपको गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैम लाइव है या नहीं, क्विज लाइव है और आप उसे कभी भी अपियर करके खेल सकते हो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्विज, दैट्स हाउ अमेजिंग वी क्विज इज. तो अब जब इतनी बात वी क्विज और क्या करना है उसके बारे में हो गई है, तो थोड़ा सा डिस्कशन इस बारे में भी कर ले कि भाई हमने सारे सेशंस जो है इस चैप्टर के वो फिनिश कर लिया, हमने पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश कर लिया है, इसीलिए आज वन शॉट कर रहे हैं. तो थोड़ा प्यार आप भी दिखा दो, आपके लिए हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा आसान बना रहे हैं तो थोड़ा प्यार आप भी दिखा दो. प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. अगर आपको लग रहा है थोड़ा भी अच्छा सेशन आपको समझ आ रही है, बातें आपको थोड़ा भी रेलिवेंट लग रहा है, तो लाइक जरूर कर लेना. एंड डेफिनेटली डेफिनेटली मेक श्योर टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर वीडियो शेयर करें. सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, थैंक यू सो मच. अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चा पाड़ी लिंक्स जो है सारी आपके काम की, टेंथ की पढ़ाई आगे कैसे करनी है ये सब स्ट्रेस हम अभी से ले रहे हैं. बट सबसे पहले क्या जरूरी है कि फंडामेंटल्स को फिक्स करें. और फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल आपका क्लास 9 है. क्लास 9 की तैयारी अगर सॉलिड है, ट्रस्ट मी, तो आपको टेंथ ज्यादा आसान लगेगा. तो टेंथ में क्या करना है, वो टेंथ के लिए स्ट्रेस रहने देते हैं हम अभी फिलहाल, फोकस करके इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं 9 कि टेंथ में होने वाले फाइनल एग्जाम्स का स्ट्रेस अभी से हमारे ऊपर ना पड़े. और इसके लिए सिर्फ 4,500 रुपए में अगर आपके पूरे साल की तैयारी हो रही होगी तो वाई वुड यू इवन वरी अबाउट एनीथिंग, सही बात है कि नहीं. तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज मेक श्योर टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जिस भी लिंक को सिलेक्ट करो, जिस भी लिंक को चेकआउट करो, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड because this is the code that will get you extra 10% discount. Okay, so on that note, let's get started and talk about the homework questions. Jo homework ke sawal diye the humne pichle session mein, us pe ek nazar fatafat dal lete hain. Homework question humne diya tha pehla, which of the following were not introduced in France by Napoleon? Napoleon ne inme se kaun si cheez France mein introduce nahi ki thi? Uniform system of measurement, decimal system, universal suffrage or protection of private property? And the correct answer is universal suffrage. औरतों को voting rights नहीं दिए गए थे और ये है हमारे leader board के winners, universal suffrage. सही बताने वाले बच्चे आकृति एंड आकाश एंड प्रथम, क्या बात है, क्या बात है. Huge round of applause for you guys. आपने बहुत ही कमाल कर दिया यार, kudos to you all. And we also have Princy and Anvi, amazing bachcha, amazing, congratulations. बच्चों बहुत सिंपल सा फंडा है लीडरबोर्ड पे आने का, जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसका जवाब एकदम फटाफट से आपको देना होता है नीचे कमेंट सेक्शन में. द मोमेंट यू डू दैट, आप जल्दी से जब सही जवाब दे देते हो आप अपने आप लीडरबोर्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि एकदम कुछ नहीं करना है ना. डॉल्सी, ओ प्रिंसी जैन पढ़ा मैंने ध्यान नहीं दिया कि बच्चों ने लिखा हुआ है डॉल्सी जैन, आई एम सो सॉरी डॉल्सी, इट्स डॉल्सी जैन. तो आपको कुछ नहीं करना है, सेशन वॉच करो, जैसे होमवर्क क्वेश्चन देती है मैम एकदम जल्दी से कमेंट सेक्शन इनेबल होते ही वहां जाओ और कमेंट कर दो, ठीक है. अब दूसरी चीज क्या, कई बार पता ही नहीं चलता कि सेशन हो गया, अब उतनी देर में इतने जवाब आ गए कि लीडर बोर्ड तो मिस हो गया, अब दुख हो जाता है. इसीलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि ये वाला दुख जो है वो खत्म हो जाए, बाकी दुख होना हो ये तो हो ही जाएगा. अब आज हम क्या करने वाले, pretty much the entire chapter because one shot, तो revision है पूरे chapter का, ये तो simple sorted logic है.
तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी लेट 18th सेंचुरी में, रिवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, फ्रांस से कैसे मोनार्की को अबॉलिश करके रिपब्लिक बनाया अपने आप को, क्या विमेन का भी कोई रिवोल्यूशन हुआ था, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कैसे हुई, एंड द रिवोल्यूशन एंड एवरी डे लाइफ इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू लुक एट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेस फ्रेंच रिवोल्यूशन के साथ। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ, फ्रेंच रिवोल्यूशन जब शुरू हुआ है तो देखो कोई भी ऐसी मूवमेंट जब शुरू होती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि उस वक्त उसमें उस जगह पे सोसाइटी में क्या चल रहा था। क्योंकि बच्चे कोई भी रिवोल्यूशन अपने आप तो शुरू नहीं होती है। यहाँ जब हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडिया में हुआ था उसके पीछे रीजंस थे, ब्रिटिशर्स 100 साल से थे, आखिर उसी वक्त जो भी हुआ वो क्यों हुआ, है ना। तो पॉलिटिकल कॉजेस समझना, सोशल कॉजेस समझना, इकोनॉमिकल कॉजेस समझना बहुत जरूरी होता है। यही तीन फैक्टर्स होते हैं जो उस वक्त की रियलिटी को डिटरमाइन करते हैं, जो लोगों की परेशानियों को डिटरमाइन करते हैं, और इन्ही सिचुएशन से रिजल्ट होते हैं लोगों के एक्शंस। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन की, तो मैं आपको फटाफट ये बता दूं कि 1774 में लुई 16 बनते हैं राजा, और जब वो बनते हैं राजा तो वो क्या देखते हैं कि भाई मेरी पूरी ट्रेजरी यानी कि मेरा बैंक अकाउंट जो है फ्रांस के देश का वो एम्प्टी है। अब ये एम्प्टी क्यों था? ये एम्प्टी इसलिए था कि फ्रांस बहुत सालों से अलग अलग तरह की लड़ाइयां लड़ रहा था। उन्होंने अंडर किंग लुई 16 इटसेल्फ ये भी डिसाइड किया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इतनी लड़ाइयों के बाद उनके ऊपर 1 बिलियन का लोड था, डेट था, इसके ऊपर से वो डिसाइड करते हैं कि अमेरिका के 13 कॉलोनीज को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करके आजादी दिलवाएंगे। ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइजेशन कर रखी थी जैसे हमारे ऊपर कर रखी थी, कई सारे देशों पे की थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो कॉमन एनिमी था, वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इन्होंने करी दोस्ती अमेरिका से और छुट्टी कर दी ब्रिटेन की वहां से। पर वॉर फ्री में तो होते नहीं है, वॉर तो भाई बहुत ज्यादा ड्रेन करता है आपके फाइनेंसेस को। तो यही बात यहाँ पे भी हो गई, फाइनेंसेस वहां पे भी पूरे पूरे ड्रेन हो गए, वाट लग गई, ठीक है, पैसे कुछ बचे नहीं। 2 बिलियन लिवरेज से ज्यादा लोड उनके ऊपर आ गया। लिवरेज क्या होता है आपको मैं फटाफट बता दूं बच्चों, ये सब मैंने डिटेल सेशन में अच्छे से माइन्यूटनेस में एक्सप्लेन किया है। वन शॉट इज मोर फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन। अगर आप वन शॉट देख करके सोचोगे और कोशिश करोगे कि भाई हो गया, वन शॉट से पूरी चैप्टर कवर कर ले, कुछ माइन्यूट डिटेल्स मिस हो जाएंगी जो डिटेल्ड सेशन में, एक एक घंटे का मैं एक सेशन लेती हूँ, वो वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, वो जरूर देखना, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गो इनटू डेप्थ एज मच एज पॉसिबल, बट अगर वैसा करने लगेंगे तो ये वन शॉट फिर 4 घंटे का बन जाएगा। तो मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर बताऊंगी, कुछ छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस दे चलूंगी, कुछ चीजें आपको अगर ना समझ आए तो वो डिटेल के लिए आप उस सेशन को देखो, ठीक है। लिवरेज बच्चे वॉज द करेंसी ऑफ फ्रांस बिफोर इन द ओल्ड रेजिम। अब ये नया शब्द आ गया ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम क्या होता है? ओल्ड रेजिम से हमारा मतलब है एनीथिंग द एरा बिफोर 1789, यानी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन जिस साल हुआ उसके पहले वाले सिस्टम को ओल्ड रेजिम कहते हैं, यानी कि पुराने तौर तरीके से चलने वाला रेजिम। उसके बाद जो रेजिम चालू हुआ, उसके बाद जो नया सिस्टम चालू हुआ, उसको न्यू रेजिम कहते हैं। रिवोल्यूशन हो गया, सोसाइटी चेंज हो गई, देश बदल गया, बहुत शिफ्ट आए थे वो। जब हम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को तो आपको वापस या तो याद आ जाएगा या आपको पता चल जाएगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो। तो लुई 16 के अंदर फ्रांस जो है 2 बिलियन लिवरेज, उस वक्त 2 बिलियन लिवरेज के डेट में चला जाता है। 10% जो है इंटरेस्ट भी दे रहे थे ये लोग जिन लोगों से डेट लिया था। भाई इतने पैसे तो उनके पास पहले से नहीं थे, ऊपर से फ्रांस की लड़ाई तो लोगों से उधार लेकर के ही क्या होगा, वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, वसूली भाई की तरह आ रहे हैं कि भाई दो हमारा पैसा वापस करो। अब इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, और इतना ही नहीं एकदम एक्स्ट्रा वैगेंट स्पेंडर्स, ठीक है, चाहे वो राजा की बात कर लो या रानी की बात कर लो। रानी अपने हेयर स्टाइलिंग पे एक से एक खर्चे किया करती थी, कहाँ कहाँ से हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाती थी। लुई 16 भी अपने हाव भाव को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेंड किया करते थे, और देखो उनको पूरी तरह से ब्लेम भी नहीं कर सकते, बेचारे मात्र 20 साल के थे लुई 1774 में जब वो थ्रोन पे आते हैं और फिर ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से शादी कर लेते हैं। तो वही बात है कि बच्चे, मतलब आप सोचो ना, आपसे कुछ ही साल बड़े थे वो, आप 14 साल 13 साल के बच्चे और वो आपसे 6-7 साल बड़े, हमारे एल्डर सिबलिंग्स की तरह, कितना ही दिमाग होगा। तो उन्होंने ये सारी गड़बड़ी कर दी,
अब उसके बाद क्या होता है कि इतना ही सिर्फ अपने खर्चे और जो लोन है वो तो है नहीं, आप सरकार चला रहे हो। सरकार चलाने के लिए आपको, और स्पेशली सरकार मतलब वो भी डेमोक्रेसी वाली सरकार नहीं है कि गरीबी में चल जाएंगे लोग समझेंगे और वो सारी बातें, ये किंगडम है, ये मोनार्की है, तो उनको कोर्ट का ध्यान रखना है, इतने सारे मंत्रियों को बुलाकर लाना है, अपनी सोल्जर और आर्मी मेंटेन करनी है, नहीं तो कोई धावा बोल देगा। अब ऐसा नहीं है ना कि डेमोक्रेसी है तो लोग आराम से बैठे हैं कि नहीं नहीं यार ये तो बाउंड्री के बाहर है, यहाँ जाएंगे तो ये यूएन यहाँ पे इंटरवीन करेगा। उस वक्त यूएन कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस, कोर्ट का खर्चा, आर्मी का खर्चा, सरकार चलाने का खर्चा, ये सब मीट करने के लिए नेचुरली हर एक सरकार टैक्सेस लेती है, ये भी टैक्सेस लिया करते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये खर्चे जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, लोन जो है बढ़ते जा रहा था, लोग तगादा मार रहे थे, पीपल वर आस्किंग भाई वसूली करनी है, दो लोन वापस। तो इन्हें लगा कि हमें टैक्सेस जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, वो टैक्सेस जो हम लोगों से लेते हैं। यानी कि बच्चों ऐसी बात है कि अगर मैं 20,000 रुपए कमाती हूँ तो एट प्रेजेंट मैं मे बी 2,000 रुपए महीने का टैक्स भरती हूँ 20,000 रुपए पर। अब क्योंकि सरकार की गलती से सरकार के पास पैसे नहीं है, वो मुझे कहता है कि सुनो भैया 20,000 रुपए की जगह तुम 5,000 रुपए टैक्स भर दो और मेरी सैलरी नहीं बढ़ती है, तो नेचुरली बच्चा मैं तो गुस्सा हो जाऊंगी, है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ और अल्टीमेटली जो है वो एक्स्ट्रा वैगन कोर्ट वोट को मेंटेन करने का कॉस्ट आ रहा था, तो पैसे बढ़ाने थे। अब देखो बात ऐसी है कि सिर्फ सरकार चलाने के लिए शायद पैसे बढ़ाने होते तो लोग कम दुखी होते, है ना, और सब लोग मिलकर टैक्सेस भरे होते तो लोग कम दुखी होते, पर यहाँ कहानी अलग चल रही थी। सिर्फ सरकार को चलाने के लिए नहीं, शानो शौकत मेंटेन करने के लिए टैक्सेस चाहिए थे, तो लोग नाराज हो रहे थे कि भाई थोड़ा गरीबी में रह लो, तुम राजा हो तो क्या हुआ, तुम हमारे पैसे पे थोड़ी राज करके हीरो बने फिरोगे। और इतना ही नहीं, टैक्सेस भी सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे रही थी। तो अभी हमने देखा पॉलिटिकल कॉजेस, अब हम समझेंगे सोशल कॉजेस, है ना। सोशल कॉजेस क्या थे, यानी कि सोसाइटी में क्या चल रहा था। तो जैसे मैंने बताया ओल्ड रिजीम जो है 1789 के पहले की कहानी को बताता है। इसमें क्या हुआ था बच्चा, सोसाइटी तीन हिस्सों में बटी हुई थी। जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम होता है, ठीक है, कास्ट सिस्टम में ऊंची जाति नीची जाति पिछड़ी जाति ये सब बकवास करते हैं लोग और उस रूढ़िवादी थॉट प्रोसेस में खो जाते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी एंशियंट थॉट, दीज डिविजन्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन कास्ट डिविजन जो हमने बनाए हैं, ठीक है, ह्यूमन क्रिएटेड, और उस पर डिसाइड कर लेना हम सुपीरियर तुम इंफीरियर, ठीक है। ये सिस्टम फ्रांस में भी चलता था। तीन स्टेट्स हुआ करते थे, यानी कि तीन ग्रुप्स हुआ करते थे, तीन सेक्शंस हुआ करती थी सोसाइटी की। फर्स्ट स्टेट्स यानी कि क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट वाले लोगों का एक स्पेशल नाम दिया था क्लर्जी, दूसरे स्टेट वाले लोगों का नाम दिया था नोबिलिटी, और तीसरे स्टेट वाले लोगों का नाम नहीं था कोई अलग से। कई बार बच्चे बोलते हैं मैम फर्स्ट स्टेट क्लर्जी है, दूसरा स्टेट नोबिलिटी है, तीसरा स्टेट क्या है, तीसरा स्टेट आप बोलोगे कॉमन पीपल, ठीक है। यानी कि जो भी क्लर्जी और नोबिलिटी को बिलोंग नहीं करता है वो तीसरे स्टेट को बिलोंग करता है। अब यहाँ क्या फंडा है थोड़ी डिटेल में समझे, तो फर्स्ट स्टेट बच्चे वॉज बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल जो कि चर्च मैटर्स में इन्वॉल्व थे, पोप फादर ये सारे लोग जो है जो भी रिलीजन से जुड़े थे, वो आपके चर्च से जुड़े थे, वो फर्स्ट स्टेट में माने जाते थे, उनको पहला दर्जा दिया गया था सोसाइटी में, ठीक है। इसीलिए पोप ना इनफैक्ट राजा से भी ऊपर आया करते थे। आपका जो फ्यूडल सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है, एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपके बुक में, आप देखोगे पोप सबसे ऊपर है, सेकेंड नंबर पे किंग है। तो रिलीजन हमेशा से सोसाइटी पे राज करता है, रिलीजन ने तो हमेशा बाजी मारी है लोगों को ऐसे ब्लाइंड फोल्ड करने में, है ना, और अपना मतलब निकालने में। यहाँ पे भी यही चल रहा था। तो क्लर्जी टॉप पे रहती है, दूसरे लेवल पे फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखो कहीं पे भी आप जाते हो ना, आप पहले कोशिश करोगे कि आपके दोस्तों को, आपके परिवार वालों को फायदा हो जाए। तो ऐसा ही रॉयल फैमिली भी किया करती थी, जो उनके पहचान के दोस्त थे, थोड़े जो एरिस्टोक्रेट्स थे। एरिस्टोक्रेट्स माने व्हाट, एरिस्टोक्रेट्स मतलब टाइटल होल्डर्स टाइप के लोग, ठीक है, टाइटल होल्डर वगैरह, ड्यूक नाइट दिस एंड दैट, ये नोबल्स में फॉल किया करते थे। ये वो थे जिनका हाई रैंक था एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर ड्यूक्स थे, नाइट्स थे, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली थी आपके रॉयल फैमिली के, उठना बैठना उनके साथ था। तो ये नोबल लोग हो गए, है ना, नोबल की एकदम भाई एलीट है, पढ़े लिखे हैं, पॉश लोग हैं। अब इसके अलावा चाहे आप रिच हो पुअर हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप डॉक्टर हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता आप फार्मर हो, बार्बर हो, ये सारे लोग, अगर आप नोबल नहीं हो और अगर आप चर्च से रिलेटेड नहीं हो, आप सीधा जाओगे तीसरे स्टेट में, कोई और चारा नहीं है। तो बिग बिजनेसमैन, बड़े रिच बिजनेसमैन हो, कोर्ट के ऑफिशियल्स हो, लॉयर्स हो, पेजेंट्स हो, आर्टिशंस हो, लेबर हो, सर्वेंट हो, सारे लोग, रिच से लेकर के पुअरेस्ट टाइप ऑफ पीपल यूज टू स्टे ओवर हियर इन दीज कोर्ट्स। ठीक है, अब बात हो रही थी टैक्सेस की, तो आप कहोगे मैम आप तो सोसाइटी में ही आ गए। तो बच्चों देखो, मैंने आपको पहले बताया पॉलिटिकल सिनेरियो, फिर मैंने आपको बताया सोशल सिनेरियो, अब मैं आपको बता रही हूँ इकोनॉमिकल सिनेरियो। ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी समझ रहे हैं। एक तो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव हमारा ये है कि ट्रेजरी खाली है, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि टैक्सेस दिए जाते थे। लेकिन आपको पता है क्या, अब देखो ये रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं और ये रिश्तेदार हैं, तो इन दोनों को क्या होता था, प्रिविलेजेस दिए जाते थे, यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती थी। अरे तुम हमारे परिवार वाले हो, आओ आगे बैठो, स्टेज के सामने बैठो, ऐसा वाला। ठीक है, लेकिन ये स्टेज के सामने बैठाने तक सीमित नहीं था, ये एक्सटेंड हो गया था टैक्स के ऊपर भी, जो लोगों के गुस्से का कारण बनते जा रहा था। बच्चे सोसाइटी तो तीन थी, लेकिन टैक्स पेयर सिर्फ और सिर्फ ये वाली सोसाइटी थी, थर्ड एस्टेट। और एक नहीं, दो दो तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे उनको। पहला टैक्स का नाम था टायर। ठीक है, टायर क्या था, बेसिकली टाइल इंग्लिश में पढ़ेंगे, आई थिंक इट्स मतलब फ्रेंच में इसको टायर करके प्रोनाउंस करते हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीधा सीधा राजा जी के तिजोरी में जाता था, सीधा सरकार लेती थी। तो सरकार तो हर जगह टैक्स लेती है, आर्मी को मेंटेन करने की, आपको प्रोटेक्शन देने की, आपको डेवलपमेंट कराने की, विच इज फाइन। तो ये डायरेक्ट टैक्स थे, मतलब ये वो टैक्सेस थे जो सीधा सरकार लेती थी। इसके अलावा थोड़े बहुत इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे, वो सामान पे डिपेंड करता था। जैसे आप आज के डेट में भी कुछ इम्पोर्टेड सामान मंगाओगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटीज लगे होते जो रेगुलर यहाँ के सामान में नहीं मिलते, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। बट वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के कंजम्पशन के सामान में, जैसे सॉल्ट, टबेको, लगा रहता था। तो ये आपका चाय हो गया। उसके बाद था टे, टे यानी कि टीथ, ऐसे अदरवाइज में उसको टीथ पढ़ूंगी इंग्लिश में। ठीक है, तो ये टैक्स जो है, ये पता है कौन कलेक्ट किया करता था, चर्च वाले लोग। चर्च वाले लोग भी टैक्स लेते थे, मतलब बताओ जरा, दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ द रॉयल फैमिली, दे वर नो वर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ काम नहीं था उनका, पैसे जरूर लेते थे। तो ये लेते थे टी नाइन नाम का टैक्स, जो कि बेसिकली पेजेंट से या किसी प्रोडक्शन हाउस से लिया जाता था। यहाँ पे उनको अपना 10%, जो भी प्रोडक्शन किया है आपने, आपको उसका 10%, या आप ऐसा कह सकते हो 1/10 ऑफ द पोर्शन दे दिया करना पड़ता था चर्च को। तो क्लर्जी और नोबिलिटी वैसे तो सिर्फ 10% थी सोसाइटी में, यानी कि 100 में से सिर्फ 10 लोग क्लर्जी नोबिलिटी को बिलोंग करते थे, लेकिन 100% में से 60%, आउट ऑफ 100%, 60% ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द लैंड यूज्ड टू बिलोंग टू देम। यानी कि समझ रहे हो, 10 लोग, आप मान लो 100 लोग हैं, लेट मी जस्ट क्विकली रिड्यूस द साइज ऑफ माय वीडियो एंड चेंज ऑल्सो द कलर ऑफ द पैन। मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 लोगों के लिए 100 प्लेट खाना आया है। ठीक है, 100 लोग हैं, 100 प्लेट खाना है, आइडियली 1-on-1 होना चाहिए। अरे बहुत से बहुत कम से कम 2 लोगों पे 1 प्लेट खाना दे दो। अभी यहाँ क्या सिस्टम है कि ये 100 लोग में से 10 लोग इतने प्रिविलेज थे कि उनको इस 100 में से 60 प्लेट खाना दे दिया गया था, यानी कि पर पर्सन 6 प्लेट्स ऑफ फूड वाज अवेलेबल, वेयर एज बाकी के 90% लोग के लिए, 90% पीपल के लिए सिर्फ 40% वाज केप्ट। यानी कि देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4.5/2, यानी कि ऐसा समझ लो कि 0.2, 1 प्लेट में 5 जने खाना खा रहे हैं, ऐसा हिसाब कर दिया था इन्होंने। आप कहोगे बहुत मैथमेटिकल बना दिया मैम ने, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन इनसाइट कि कैसा प्रॉपर्टी का सिस्टम किया हुआ था। और थर्ड स्टेट में 90% लोग बेचारे ये 40% ऑफ लैंड में काम चला रहे थे, ऊपर से सारा टैक्स इनको बेयर करना पड़ता था। तो नेचुरली क्या हो गया, हो गया सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस, सबसिस्टेंस का मतलब होता है लाइवलीहुड। ठीक है, गुजारा भरता, लाइवलीहुड, ठीक है, अपना गुजारा करना, उसकी क्राइसिस आ गई। यानी कि लोग गुजारा ही नहीं कर पा रहे हैं,
बेसिकली जो भी वट एवर दे वर डूइंग, ठीक है, खाना पीना घर रोटी कपड़ा और मकान हमारी तीन बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, इन तीन बेसिक नेसेसिटीज को ही वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। और ऐसा क्यों हुआ बच्चे, ये जो एरा है जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं 1774 वाले टाइम की, हुआ क्या था कि 1715 से लेकर के इस वक्त तक 1780s तक पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। 23 मिलियन से लोग 28 मिलियन हो चुके थे, यानी कि 3 मिलियन एक्स्ट्रा लोग आ चुके थे, लेकिन खाना प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट उतने की उतनी ही थी, यानी कि खाना जो है वो कम पड़ने लग गया। उसके ऊपर से बैड हार्वेस्ट हो गया था, तो ग्रेन्स यानी कि खाना कम हो गया। अभी सिंपल डिमांड सप्लाई की लॉजिक है, जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है तो क्या हो जाता है, ज्यादा डिमांड होने की वजह से जिस चीज की सप्लाई कम है उस चीज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्योंकि खाना कम और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, जैसे कि अभी नींबू के साथ भी हुआ था, जैसे कि हमने प्याज के साथ देखा है, प्याज की प्रोडक्शन कम होती है तो 90 रुपए किलो 100 रुपए किलो प्याज बिक रहा होता है, लोगों के लाले पड़े होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे फूड प्राइसेस बढ़ गए। अब फूड प्राइसेस जरूर बढ़ गए लेकिन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी, लोगों के पैसे जो वो कमाते थे वो नहीं बढ़े, और अगर वो नहीं बढ़े तो नेचुरल सी बात है वो खाएंगे पिएंगे कैसे, ठीक है, तो उनको लाले पड़ने लग गए, खाने की कमी होने लग गई। तो द पुअरेस्ट नो लॉन्गर कुड बाई ब्रेड, अब उन बेचारों के पास जो है ब्रेड खरीदने के पैसे ही नहीं बचे, ठीक है, समझ रहे आप। अब इसकी वजह से क्या हुआ, फूड के लिए लड़ाई होने लग गई और जो लोग थे वो बहुत कमजोर पड़ने लग गए जिनको खाना नहीं मिला, ठीक है। गाइस जस्ट 1 सेकेंड, यस। तो अब क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे, देखो जो रिच हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वो बहुत पैसे हैं, खाना महंगा भी हो रहा है तो ठीक है शायद कम खाएंगे, बहुत फैंसी चीजें महंगी चीजें नहीं खाएंगे, बेसिक तो आराम से खरीद सकते हैं। जो गरीब है उनके पास खाना कहाँ से आएगा, उनके पास खाना ही नहीं आ रहा था, तो खाने के लिए लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। अब उसी वक्त क्या हो रहा है, बहुत सारे शॉपकीपर्स ना होर्ड करने लग गए खाना। होर्ड करने का मतलब क्या है, जमा करना। जैसे कि कोविड के टाइम पे हमने देखा कि जब लोगों को ऑक्सीजन चाहिए था तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुकान वालों के पास ऑक्सीजन है वो नहीं दे रहे थे, क्यों, क्योंकि वो होल्ड कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे कि ऑक्सीजन की प्राइसेस और ज्यादा हाई जाए और उसके बाद, ठीक है 1 सेकेंड, हाँ जी, और उसके बाद क्या, वो वेट कर रहे थे कि प्राइसेस और ज्यादा हाई जाए, और जब प्राइसेस और ज्यादा हाई जाती तब वो सामान निकालते और पैसे बहुत कमाते, यही काम यहाँ खाने के साथ लोग कर रहे थे, बट बाकी लोग बाहर भूखे मर रहे हैं। एट द सेम टाइम कई सारे लोग ऐसे थे जो वैसे ही बहुत कमजोर थे, वो डिजीजेस के कारण एपिडेमिक्स के कारण सरवाइव नहीं कर पाए। अब इन दोनों रीजंस की वजह से कई सारे लोगों की मौत हो गई, तो ये और ज्यादा एडिशनल रीजन हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन 23 से 28 मिलियन हो गया था 1715 से लेके 1789 तक, जिसने डिमांड बढ़ा दी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, उनके पैसे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन पैसे जो है दाम जो है खाने का बढ़ता जा रहा था, सिचुएशन बद से बदतर होती गई, जहां पे बेसिक सर्वाइवल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया और ये पहले से भी कई ज्यादा वर्स हो गया, ठीक है। व्हेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, तो बच्चों हमें भी पता है कि कभी भी ओले बरस जाते हैं, यानी कि हेल स्टॉर्म हो जाता है, कई बार सूखा पड़ जाता है, हार्वेस्ट और बुरा होता है। अब जहाँ खाना पहले से कम है वहां और ज्यादा हो जाए तो कितनी महामारी हो जाएगी, ऐसा सिचुएशन था। देखो ब्रेड बेचने वाले इतने से, खरीदने वाले इतने, उसमें भी इन्होंने दबा कर रखा हुआ है छुपा करके ब्रेड, और प्राइसेस भी बहुत है, तो नेचुरली स्कार्सिटी ऑफ फूड की वजह से लोग जो है सर्वाइवल के लिए फाइट करने लगे। अब इसी वक्त सोसाइटी में ग्रो करते हैं मिडिल क्लास के लोग। तो अभी तक सोसाइटी में कितनी डिविजन्स थी, सोसाइटी में डिविजन्स थी तीन। अब ये तीन डिविजन में क्या होता है, तीन डिविजन में एक नई डिविजन आ जाती है विद इन द थर्ड स्टेट इटसेल्फ, तीसरे स्टेट में ही। 18वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में क्या होता है कि इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग जाती है, फैक्ट्रीज सेटअप होने लग जाती है और एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ जाता है, एक नया बदलाव आ जाता है। जैसे भी इंटरनेट रिवोल्यूशन आया हुआ है, इंटरनेट ने जिंदगी बदल दी है लोगों की, तो 18वीं सेंचुरी और 17वीं सेंचुरी में वैसे ही इंडस्ट्रीज आई थी। पहले मशीनें, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी,
कुछ लोग अपने आप से मैन्युअली काम करके छोटा छोटा प्रोडक्शन करते थे, अब इंडस्ट्रीज के साथ बहुत बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जिन जगह इंडस्ट्रीज नहीं थी वहां पे लोग सामान बेचकर ट्रेडिंग करने लग गए, और ट्रेडिंग की वजह से कुछ लोग जो सामान बेच रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, जो पहले ज्यादा अमीर नहीं थे, वो अचानक से बहुत ज्यादा अमीर हो जाते। और ज्यादा अमीर होने की वजह से उनके पास एडुकेशन का एक्सेस भी आ जाता है, तो वो एडुकेटेड होते हैं, उसकी वजह से अवेयरनेस भी होता है। अब देखो बच्चा, कभी भी कोई गरीब ज्यादा किसी लड़ाई को क्यों नहीं लड़ पाता सोसाइटी के अगेंस्ट, क्योंकि या तो वो बेचारा भूखा होता है, ठीक है, उसे अपनी जिंदगी चलानी है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे रोज काम पे जाना है, वो आकर लड़ाई नहीं लड़ सकता, वरना वो मारा जाएगा। इस वजह से वो रिवोल्यूशन में पढ़ते नहीं है, या तो दूसरा इसलिए क्योंकि वो एडुकेटेड होते नहीं है, तो उनके पास रिसोर्सेज और अवेयरनेस नहीं होती है ऐसी लड़ाइयां लड़ने के लिए अपने हक के को लेकर। लेकिन जब ये एक नई सोसाइटी फॉर्म होती है, ये थर्ड स्टेट के लोग हैं, बिजनेस मैन, ट्रेडर्स, ठीक है, इनके पास जो है बाहरी दुनिया के साथ, ओवरसीज, दूसरे देशों के साथ ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा आ जाता है, और ये इंस्पायर होते हैं फिलोसोफर्स के आइडियाज से, और इनकी अपनी अवेयरनेस होती है कि सिर्फ हम टैक्स क्यों भरे, तुम्हें प्रिविलेजेस बाय बर्थ क्यों मिलेंगे, तो ये अगेंस्ट हो जाते हैं अपने पढ़े लिखे विजडम की वजह से, थॉट प्रोसेस की वजह से, पैसों के साथ पोटेंशियल लड़ाई करने की वजह से ये आवाज उठाते हैं। ये कहते हैं कि एक सिंपल सी बात है, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, अगर आपको प्रिविलेजेस देने हैं तो मेरिट पे दो, किसी ने कुछ ऐसा काम किया है तो उसके बेसिस पे उसको क्रेडिट दो फ्री में, क्योंकि वो पैदा हो गया उस सेक्टर में, उसे ज्यादा बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है। तो ये थी नई मिडिल क्लास। तो दे वर इंस्पायर्ड बाई फिलोसोफर्स, और ये बहुत इंटेंसिवली बात करते थे अपने लोगों से कि हमें अपनी लड़ाई जो है अपने हक के लिए लड़नी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। अमेरिका को आजादी फ्रांस ने दिलाई थी, तो ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड भी थे उनसे। अब बच्चे, किसी भी रिवोल्यूशन में आप नॉर्मली देखोगे कि कोई एक लीडर होता है, जैसे हमारा एक गांधी रह रहा था, तो महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर थे, उसके पहले भी अलग अलग लीडर्स रहे, ज्योतिबा फुले भी एक बहुत बड़े लीडर रहे, राजा राम मोहन रॉय भी एक बहुत बड़े लीडर है, हमेशा कुछ लीडर्स रहते हैं मूवमेंट्स के। यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप किसी लीडर को नहीं देखोगे, तो इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही थी, ठीक है, कौन इंस्पायर कर रहा था लोगों को? किसी भी मूवमेंट रिवॉल्यूशन को चालू रखने के लिए चाहिए होता है कोई एक इंसान जो लोगों को बिल्कुल एनर्जाइज करते रहे, कन्विंस करते रहे और लड़ाई जारी रखे। यहाँ पे वो काम फिलोसोफर्स कर रहे थे। फिलोसोफर्स कौन होते हैं? जो अपने अपनी कुछ यूनिक विजडम और एक्सपीरियंस, एडुकेशन और स्कॉलर वाले माइंड को लेकर के कुछ आइडियाज और आइडियोलॉजीज फॉर्म करते हैं और उसे प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, स्प्रेड करते हैं। और ऐसे ही तीन फिलोसोफर्स थे, जॉन जैक्स रूसो, जिन्होंने की थी बात सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने द स्पिरिट्स ऑफ लॉ की बात की थी, एंड जॉन लोक, जिन्होंने बात की थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग बातें, जैसे एक ने बोला कि भाई तुम राजा को डिवाइन की तरह क्यों ट्रीट करते हो, वो एक नॉर्मल इंसान है, भगवान नहीं है। दूसरे ने बोला कि भाई डिविजन जो है पावर का वो होना चाहिए, राजा खुद ही जज भी है, खुद ही रूल भी बनाता है, खुद ही इंप्लीमेंट भी करता है, तो सारे पावर उसके पास है, इसको डिवाइड करो, जो हमारे पास आज के डेट में गवर्नमेंट्स में हम देखते हैं डिविजन ऑफ पावर, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक अग्रीमेंट होनी चाहिए, लोग इलेक्ट करें और और जो इलेक्टेड लोग हैं वो डिसीजन लें, कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, अग्रीमेंट फॉर्म होता है। इस तरह की फिलॉसफीज जो है स्प्रेड होने लगी थी और ये फिलोसोफर्स कर रहे थे। इनकी बातें बच्चे लिख कर आती थी कई जगह, जो लोग नहीं भी पढ़ पाते थे वो जा करके चौराहे पे, राउंड अबाउट्स वगैरह पे अनाउंस किया करते थे, कॉफी शॉप्स में, बार्बर शॉप में यही डिस्कशन चलता रहता था। तो फिलोसोफर्स बहुत बड़ा हाथ प्ले करते हैं इस इन्फ्लुएंस को स्प्रेड करने में। अब बात ऐसी है कि ये जो पूरी आपदा है, ये जो पूरी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, ये तो चल रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल से आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन हो जाता है? तो हमें पता है कि टैक्सेस बढ़ाने की बात जो है वो हमारे राजा जी ने सोच ली, कौन से साल में फाइनलाइज कर ली, 1789 में। उन्होंने देखा डेट खत्म नहीं हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है, हमारे खर्चे कम नहीं हो रहे, टैक्सेस बढ़ाना ये फाइनल था। तो लुई 16 डिसाइड करते हैं 1789 में कि हमें टैक्स फाइनली बढ़ाना है। अब देखो, टैक्स बढ़ाने का एक सिंपल सा रूल था यहाँ पे, ओल्ड रेजिम है ना, पुराना सिस्टम है। और पुराना सिस्टम क्या था? पुराना सिस्टम ये कहता था कि अगर आपको टैक्स बढ़ाना है तो जो तीन सेगमेंट्स है सोसाइटी के, जो तीन एस्टेट्स है सोसाइटी के, तीनों को बुलाकर मीटिंग लो
और उस मीटिंग में उनसे वोटिंग करा करके हाँ नहीं भरवाओ, उनसे वोट में यस लो और अगर वो हाँ कहते हैं तो आप टैक्स इंक्रीज कर दो। इस मीटिंग को एस्टेट जनरल के नाम से जाना जाता था, जहां पे तीनों एस्टेट्स आया करते थे और इनकी असेंबली हुआ करती थी। लास्ट टाइम ये एस्टेट जनरल जो है 1614 में बुलाई गई थी बच्चों, 1614 में। फाइनली 1614 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 160-150 ईयर्स के बाद, आप कह सकते हो 175 ईयर्स के बाद ये मीटिंग वापस बुलाई जाती है 1789 में, 5 मई को लुई 16 के द्वारा, जहां पे तीनों स्टेट्स आते हैं। पहले दोनों स्टेट यानी कि नोबल स्टेट और क्लर्जी से आते हैं 300-300 लोग रेस्पेक्टिवली, नोबल से 300 और क्लर्जी से 300, और तीसरे स्टेट से आते हैं 600 लोग। तो आपको लगेगा ठीक है यार, चलो उनकी पॉपुलेशन कम थी तो कम कम लोग आए, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी तो डबल लोग आए, लेकिन यार 600 से तो एक तो ज्यादा लोग आने चाहिए थे। ये 90% लोग थे, 10% लोग थे सिर्फ क्लर्जी और नोबिलिटी, फिर भी वो 600 टोटल कंबाइंड बैठे हुए थे और ये भी 600 थे, तो 50-50 कैसे कर दिया? 90% पॉपुलेशन सिर्फ 50% रिप्रेजेंटेशन इस असेंबली में कैसे कर रही थी? पहले तो वो प्रॉब्लम था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, वोटिंग के टाइम पे हर एक इंडिविजुअल को वोटिंग राइट्स नहीं थे, हर एक ग्रुप को, हर एक स्टेट को एक वोट मिलता था, यानी कि तीन स्टेट्स मिल करके तीन वोट्स देते। उनमें से दो स्टेट टैक्सेस पे भी नहीं करते थे, उनके पास पैसा भी बहुत था, वो प्रिविलेज थे, उन्हें क्या प्रॉब्लम होती टैक्सेस बढ़ाने में, वो हाँ कह देते। तीसरे स्टेट की बात कोई नहीं सुनता और उन्हें ही टैक्सेस का बर्डन बेयर करना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि भैया सुनो, ये जो तुमने मीटिंग बुलाई है हम आ तो गए हैं, और बच्चों कौन थर्ड स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहा था? जो रिच आपकी सोसाइटी थी ना, रिच सेगमेंट वाले लोग थे, वही लोग यहाँ पे भी आए थे प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि हमें भाई जो है जाति मत करो हमारे साथ। 40,000 लोग आए थे थर्ड स्टेट से, ठीक है, वो बेचारों को इधर उधर खड़ा रहना पड़ा, अंदर घुसने भी नहीं दिया गरीबों को। 40,000 लेटर्स लेके, शिकायतें लेकर आए थे, उनकी बात कौन सुनता, कोई सुनने वाला नहीं था। अब ये कहते हैं कि सुनो, तुमने बुला तो लिया है लेकिन ये जो तुम वोटिंग करा रहे हो ये बहुत अनफेयर तरीके से करा रहे हो, ये फेयर नहीं है, हर एक सेगमेंट हर एक स्टेट को एक वोट देना। तो आप एक काम करो, हम सब लोगों को एक एक वोट दो कि एटलीस्ट 600-600 बन जाए, जो दो स्टेट्स वोट नहीं दे रहे हैं उनके पास भी 600 वोट और हमारे पास भी 600 वोट हो, तब कम से कम जाके थोड़ी बराबरी की बात होगी। बट काय को लुई 16 सुने, उन्होंने खारिज कर दी इस बात को, ही डिनाइड। अब क्योंकि ही डिनाइड, ठीक है, इन्होंने नहीं सुना, ये लोग स्टॉर्म आउट करते हैं गुस्से में। बच्चे इंटरेस्टिंग बात ये है ध्यान देने वाली कि पेजेंट्स, आर्टिशंस, विमेन, इनको तो उस असेंबली में घुसने भी नहीं दिया था इवन एज एन ऑडियंस, दैट इट वाज सो बैड, राइट? क्या है, ये गुस्से में निकले लोग 20 जून को जाकर के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में मिलते हैं थर्ड स्टेट के रिच लोग जो थे, जिन्होंने इक्वल राइट्स की बात की थी जिन्हें नहीं मिली, वो मिलते हैं और अपने आप को एक नया नाम देते हैं नेशनल असेंबली का। वो कहते हैं हम बनेंगे फ्रांस की पार्लियामेंट और हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक सिंपल पर्पस होगा कि राजा के जो पावर्स है उसको लिमिट करना, उसको कम करना। दैट वाज गोइंग टू बी द आइडिया ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे वर गोइंग टू मेक। अब जब ये नेशनल असेंबली बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, अब देखो कितना क्या हुआ है, 5 मई को मिलने थे ये लोग यहाँ से गुस्सा होके निकले, उसके 1 महीने 15 दिन बाद 20 जून को नेशनल असेंबली बनती है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में वक्त तो लगता है, ये वक्त लगा करके लिख रहे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बाकी पूरे फ्रांस में तबाही फैली हुई है। 20 जून को ये बैठ गए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, लेकिन 14 जुलाई को बास्टाइल फोर्ट्रेस वाला अटैक हो जाता है। होता क्या है, भूखे गरीब लोग बेचारे ब्रेड शॉप के बाहर खड़े हैं, ब्रेड मिल नहीं रहा है। ऐसे में आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो मोनार्की हो, डेमोक्रेसी हो, डजेंट मैटर, पीएम हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, राजा हो, डिक्टेटर हो, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आपको लाकर खाना दे। यहाँ पे उल्टा ही सुनने को आता है कि राजा हमारी प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करेंगे, एक तो वो टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर से वो अपने आर्मी ट्रूप्स को भेज रहे हैं हमारे ऊपर अटैक कराने के लिए। तो ये भूखी भीड़, परेशान भीड़ बौखला जाती है और ये सोचती है कि इससे पहले राजा हम पे अटैक करे, हम उन पे अटैक कर उन्हें सिखाएंगे सबक।
और उनके डिस्पॉटिक पावर्स का जो सिंबल था, डिस्पॉटिक यानी कि अनफेयर, अनजस्टिफाइड पावर्स, एक्सट्रीम पावर्स, जो एक्सप्लॉयटेशन वाले पावर्स थे, उसका एक सिंबल था बास्टाइल फोर्ट्रेस, जहां पे वो प्रिजनर्स को रखा करते थे। उन प्रिजनर्स को जो उन्हें लगता था कि मेरे अगेंस्ट बोला, ऐसे कैसे बोला, तुम चलो जेल, वो फोर्ट्रेस को जाकर तोड़ करके लोगों को आजाद करा देते हैं। 14 जुलाई को ये होता है। उसके बाद ये तो पेरिस में हो रहा है, शहर में हो रहा है, एट द सेम टाइम कंट्री साइड, गांव में भी लोग ऐसा ही सुनते हैं। गांव में तो राजा जी नहीं रहते थे, बट उनके लोग रहते थे, नोबल्स रहते थे, एरिस्टोक्रेट्स रहते थे, ड्यूक, नाइट्स, ये लोग रहते थे। ये बड़े बड़े शतोस, बड़े बड़े मैंशंस में रहा करते थे, और वहां पे जो है लोगों को लीज पे रेंट, मतलब रेंट पे या लीज पे जमीन दे के उनसे बदले में काम लिया करते थे। फ्यूडल सिस्टम वर्क करता था यहाँ पे। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, कि वो कोई भी जमीन जो है वो मेरी अपनी नहीं है, सारी जमीन पोप की है। पोप ने राजा को जमीन बदले में दिया उनकी लॉयल्टी के, कुछ सर्विस या गुड्स लेंगे। ऐसे ही राजा उस जमीन को दे देंगे ड्यूक्स और नाइट्स को, बदले में सर्विस लेंगे कि हमारा प्रोटेक्शन करो, आर्मी का ध्यान रखो। नाइट्स फर्दर ये पेजेंट्स को देते थे, और बदले में उनसे रोड बनवाना, कंस्ट्रक्शन का काम कराना, उस जमीन पे काम कराना बदले में, या तो फिर फ्यूडल चार्जेस लिया करते थे, पैसे लिया करते थे रेंट के फॉर्म में। अब इसका लेखा जोखा होता था ना, पेपर वगैरह मेंटेन होती थी। एनीवेज, अब उसी जमीन पे इन लोगों ने उपज की थी, हार्वेस्ट किया था। इनको सुनने में आता है कि जो कंट्री साइड में जो मैनर्स में रहने वाले लोग हैं, वो भी ब्रिगेड्स को, गुंडों को भेजने वाले हमारे राइपन क्रॉप्स को, हमारे पके हुए खेतों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो डर के मारे और गुस्से के मारे क्या करते हैं, नोबल्स को उल्टा अटैक कर देते हैं, किससे पहले कि गुंडे आए, इनको वापस फोड़ डालो। और क्या होता है, जितना भी उनके पास होर्डेड ग्रेन था, भाई रिच लोग थे तो जमा करके रखते थे खाना वाना, वो सब उठा लिया उन्होंने, उनके घरों को जला दिया, घरों को जलाया नहीं, तोड़फोड़ मचा दिया। और जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, जहाँ पे लिखा था कि इस इंसान का इतना रेंट, इस इंसान का इतना रेंट, वो सब जला दिया कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचे। तो किंग लुई 16 रियलाइज करते हैं कि ए रॉकम तो चौल भी ना बाबा है ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो वो बोलते हैं जाकर नेशनल असेंबली को, सुनो भैया ऐसा है कि तुम जो भी प्रपोजल दे रहे हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। और ये वो करते हैं 4 अगस्त को। 4 अगस्त को जाकर के नेशनल असेंबली को कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं फ्यूडल सिस्टम हटाता हूँ और मैं पूरी पावर अपने लिए नहीं रखूंगा, तुम जो है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दे दो। विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन आई एम रेडी टू अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि मोनार्की रहेगी लेकिन सारे पावर्स मेरे नहीं रहेंगे, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वी विल वर्क। एट द सेम टाइम क्लर्जी को जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस थे, सारे प्रिविलेजेस हट गए नोबल्स और क्लर्जी के, और क्लर्जी को जो टैक्स लेने के राइट्स थे वो भी हटा दिए गए। तो बच्चों यहां तक अगर बात समझ आई तो फटाफट कर दो लाइक, कर दो शेयर और सब्सक्राइब। हम बढ़ते हैं आगे। वापस याद दिला दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज का मिल जाएगा। हम ये देखते हैं कि नया पॉलिटिकल सिस्टम फ्रांस में कैसा और क्या एस्टैब्लिश हुआ। ये देखो, ये नेशनल असेंबली, आप देखो नेशनल असेंबली ने क्या किया बच्चों, ठीक है। नेशनल असेंबली क्या करती है, फाइनली 1792 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करती है। आपको याद होगा 1789 में ये बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, 3 साल लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करते हैं, और उसके बाद ये डिवाइड कर देते हैं सोसाइटी को 2 सेगमेंट में, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। हर एक वो एन आदमी, ठीक है, जो 25 साल से बड़ा है और जो कम से कम 3 दिनों के वेजेस के बराबर, 3 दिनों के सैलरी के बराबर लेबरर्स के टैक्स पे करता है, यानी कि प्रॉपर्टीड इंसान है, पैसे वाला इंसान है, सिर्फ उसे वोटिंग राइट्स दिए। बाकी चाहे मेल हो या फीमेल हो या चिल्ड्रन हो, चिल्ड्रन तो क्या बच्चे होते हैं, सबको पैसिव सिटीजन का दर्जा देकर रिड्यूस कर दिया। पैसिव क्या होता है कि आप एक्टिवली सारी चीजों का मजा नहीं ले सकते हो, यू आर नॉट रियली एन इक्वल पार्ट ऑफ इट। लगभग आप सोचो 25 मिलियन 28 मिलियन लोगों में से, मतलब इतने सारे लोगों में से जो सारे थे वो पैसिव सिटीजन बन गए, उनमें से 3 मिलियन तो वो मेन थे जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिली, वुमेन, चिल्ड्रेन, पीपल बिलो एज ऑफ 25, नो वोटिंग राइट्स। एक्टिव सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन्स मैंने आपको बता दिया 25 मेल, और जो कम से कम 3 दिन के रेंट सैलरी के बराबर टैक्स भरते हो। अब ये लोग 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन थे, 4 मिलियन ऐसे लोग निकले जो एक्टिव सिटीजन्स थे। अब इन एक्टिव सिटीजन्स ने 2 तरह के वोट डाले। पहले इस वाले वोट के बारे में समझते हैं। इन्होंने अपने 4 मिलियन लोगों में से, 40 लाख लोगों में से ढूंढ कर निकाला 50,000 लोगों को जो इलेक्टर्स बने, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, सारे लोग मिलकर कुछ लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं जो फाइनल नेशनल असेंबली के लोगों को इलेक्ट करते हैं। तो ये इलेक्टर्स होते हैं इन 4 मिलियन में से 50,000 लोग,
जो कि फाइनली मिलकर इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली को, जिसमें 745 745 मेंबर्स होते हैं। अब ये लेजिस्लेचर होती है, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी, ये एग्जीक्यूटिव पे ध्यान रखती है। एग्जीक्यूटिव कौन था? किंग। यानी कि लॉ तो नेशनल असेंबली बनाएगी, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ये किंग देखेंगे और उनके मिनिस्टर्स देखेंगे। वो भी इनडायरेक्टली जो है नेशनल असेंबली के कंट्रोल के अंडर थे, बट दे हैड द वीटो पावर। वीटो पावर कि हाँ हामी भर अप्रूव करना या रिजेक्ट करने का पावर। अब जो है लॉ मेकिंग बॉडी बन गई, लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी बन गई, लॉ प्रोटेक्शन बॉडी भी चाहिए जुडिशरी की। भाई किसी ने लॉ तोड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ और लॉ को प्रोटेक्ट करना है तो कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। अब जुडिशरी का चुनाव कौन कर रहा है? राजा जब अकेले थे तो लॉ बनाते भी वही थे, लगाते भी वही थे, इंप्लीमेंट भी वही करते थे और प्रोटेक्ट भी वही करते थे। जुडिशरी अब आती है कि हाँ भाई कोई गलती करेगा तो हम बताएंगे क्या करना, और ये भी इन 4 मिलियन लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते थे। अब क्या होता है कि जब ये सब हो जाता है, किंग लुई ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन 1791 में उन्हें ऐसा चमकता है, 1792-91 में, कि भाई हमसे तो पूरी पावर ले गई है सरकार, हम ऐसे दबकर कैसे रहे। तो वो एक सीक्रेट नेगोशिएशन में प्रशिया के साथ एंटर कर जाते हैं कि प्रशिया भाई मेरी मोनार्की की स्टेटस तो चली गई, इससे पहले कि तुम्हारे देशों में भी ऐसा हो तुम अपने लोगों को एक सबक सिखा दो, अपनी आर्मी मेरे पास भेज दो, मैं अपने लोगों के साथ लड़वा करके जीत हासिल करके वापस राजा बन के आपका उधार चुका दूंगा। अब आसपास के स्टेट कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रिया, प्रशिया, उनको भी स्ट्रेस था भाई कि कहीं फ्रांस जैसी हालत हमारी ना हो जाए, हमारी भी गद्दी ना छीन जाए, तो वो भी मदद करने को रेडी होते हैं। लेकिन मीनवाइल नेशनल असेंबली धीरे से 1792 में डिसाइड करती है कि ऑस्ट्रिया और प्रशिया पे अटैक कर देना है। सारे लोग खुशी खुशी वॉलंटियर करके जाते हैं लड़ने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये लड़ाई उस देश की नहीं, एरिस्टोक्रेसी की, यानी कि ये जो तानाशाही लोगों की चल रही है, एक तरह से अपना एक बोलबाला चल रहा है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है उसके अगेंस्ट है, तो इसलिए कई सारे लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए। ठीक है, एक और चीज होती है, जब ये नेशनल असेंबली फॉर्म करके कॉन्स्टिट्यूशन 1792 में बनाती है, बच्चों ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देता है, ये एक डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन देती है। वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सबको दिया जाता है, उसमें भी पैसिव सिटीजन के साथ अलग कहानी थी। और ये कहते हैं कि ये इनएलियनेबल राइट्स है, कहीं के भी अगर आप सिटीजन हो तो ये राइट्स तो आपको मिलने ही चाहिए, ऐसे करके राइट्स भी बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर पार्शियलिटी की थी, वोटिंग राइट्स ये राइट्स एक्टिव मेन सिटीजन्स को दिया था, तो औरतों का क्या, जो गरीब हैं उनका क्या। तो ऐसे लोगों को लगा कि भाई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई है, हमें अपनी लड़ाई तो जारी रखनी ही पड़ेगी, हमें रेवोल्यूशन तो जारी रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो हक मिला नहीं है, सबको बराबर हक तो मिला नहीं है। ऐसा करके लोग पॉलिटिकल क्लब्स, पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म कर रहे थे, जिनमें से एक बहुत फेमस एसोसिएशन था, क्लब था, जैकोबिन क्लब। ठीक है, ये एस्टैब्लिश की गई थी लोगों के द्वारा गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्लान के अगेंस्ट, और इसमें हर तरह के लोग थे, मोस्टली गरीब लोग, बार्बर, शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, पेजेंट्स, ये सारे। ठीक है, अब ये सारे लोग क्या करते हैं, इनका बहुत सिंपल फंडा था बच्चे, ये नोबल्स के एकदम अगेंस्ट थे। नोबल्स ऐसे कपड़े भी नहीं पहनते थे। नोबल्स देखो आज भी क्या होता है, द पीपल हु आर सेलिब्रिटीज एंड ऑल दे डिफाइन द फैशन फॉर अस, उनको हम देखते हैं, हम बोलते हैं हाँ ऐसे कपड़े चाहिए हमें। उस वक्त नोबल्स वो क्या करते थे, इन्होंने कहा, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नोबल्स क्या पहनते, हमें नहीं चाहिए वो चीज, हमें नहीं करनी है, सिंपल एज दैट। एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपेंस कि ये इनकी अपनी ड्रेसिंग स्टाइल थी, जहां पे ये कैसे ड्रेस किया करते थे, डॉक वर्कर्स की तरह ढीले ढीले लंबे लंबे पैंट्स पहना करते थे स्ट्राइप्स के साथ। ठीक है, मछुआरे जैसे कपड़े पहनते थोड़े वैसे, और साथ ही साथ एक रेड कैप पहनते थे लिबर्टी को सिग्निफाई करने के लिए, वो स्लेवरी की लिबर्टी की तरफ थी, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरा एक और चीज, वो क्या करते थे, ढीले पैंट्स पहनते थे पूरा। अभी इस वक्त ब्रिटिश मतलब जो लोग थे यहाँ पे फ्रांस के, ये नी ब्रीचेस पहना करते थे, यानी कि ऐसे पैंट्स जो ऊपर से पैंट्स तो लूज है लेकिन नीचे नी के पास आकर के ना बिल्कुल टाइट हो जाया करते थे। ठीक है, इसको नी ब्रीचेस के नाम से जाना जाता था। दिस वाज द फैशन स्टेटमेंट एट दैट टाइम ऑफ रिच पीपल। जैकोबिन क्लब वालों ने बोला हमको नहीं पहनना है, हम नी ब्रीचेस नहीं पहनेंगे, हम अपने जगह में खुश है, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, हमें लोगों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, तो वो अपनी अलग आइडेंटिटी बना रहे थे।
इसीलिए इनको द वन विदाउट द नी ब्रीचेस भी जाना जाता है, जिसका एक अलग टर्म है विच इज योर सैंड कुलिटोस। ठीक है, तो सैंड कुलिटोस के नाम से ये जाने जाते थे। अब 1792 में जब ये सारी लड़ाइयां चल रही हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्योंकि रिवोल्यूशन चलता रहना चाहिए, हमें जो है राजा के अगेंस्ट कुछ करना चाहिए, एक अपराइजिंग, एक रिवोल्ट। समर ऑफ 1792 में दे डिसाइड टू हैव दिस। ठीक है, क्योंकि पेरिस वेरिस हर जगह जो भी चल रहा है उससे काफी नाराज थे ये। अब ये समर में डिसाइड करते हैं, और अगस्त 10 को ये एक्चुअली राजा के पैलेस में घुस जाते हैं, उनके सारे सोल्जर्स को मार करके राजा को किडनैप कर लेते हैं। फिर नेशनल असेंबली अपने कोर्ट को लेकर आती है, ट्रायल वायल चलता है, और वो देखते हैं कि हाँ राजा सच में गिल्टी है, और ट्रीजन का चार्ज लगता है, देशद्रोह का चार्ज लगता है उन पे। अब लेकिन सरकार तो खत्म हो गई, नेशनल असेंबली भी कैसे चलेगी क्योंकि राजा ही नहीं है। तो अब लोगों को मिलता है वोटिंग राइट्स। अब पता है बच्चों, ये जो नया इलेक्टेड असेंबली था, ये 21 सितंबर 1792 में बनता है, तो असेंबली बनती है इलेक्शन के बाद फिर से, और अब जो नई असेंबली है वो जैकोबिन क्लब को वोट करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑल्सो वॉट हैपन्स इज कि सारे मेल मेंबर्स जो 21 साल के ऊपर थे उन सबको वोटिंग राइट्स मिलती है, ना कि सिर्फ उनको जिनके पास ज्यादा पैसे थे, लेकिन हाँ 21 साल के ऊपर। लेकिन अभी भी औरतों को नहीं मिला है कुछ भी। जैकोबिन क्लब जो वैसे तो इतनी आजादी और रिवोल्यूशन की बात कर रही है, वो भी औरतों को उनका हक नहीं देती है, वोटिंग राइट्स नहीं देती है। खैर, अब क्या होता है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और ऐसे जो है फ्रांस बन जाता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब अ प्लेस वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। अब ये फ्रांस रिपब्लिक बन गया। लुई 16 को डेथ का सेंटेंस दे दिया गया, ट्रीजन की वजह से फांसी लग जाती है। मारी एंटोनियट के साथ भी कुछ दिन ऐसा होता है। और पता है कौन जीतता है इस इलेक्शन में? जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब के लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आते हैं रूल करने के लिए, लेकिन मात्र और मात्र 1 साल रूल करते हैं। यू गाइस वुड बी अमेज्ड टू नो व्हाई। एक ऐसा क्लब जो इतनी लिबर्टी, इतनी आजादी, इतने रेवोल्यूशन करा रहा है, उसके जो लीडर थे वो बहुत ही कंट्रोल और सीवियर पनिशमेंट वाला रूल कर रहे थे। उन्होंने कई सारे रूल्स बना दिए इतने स्ट्रिक्ट कि उनके टाइम जो जो भी सिस्टम चलता था उसको रीन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मैक्सिमम वेजेस लगा दिए, प्राइसेस। देखो बच्चों, इसको डिटेल में बहुत एक्सप्लेन नहीं करी हूँ, ये हमने सेशन में करा हुआ है, डू वॉच दैट सेशन अगर आपको ये समझने में दिक्कत होती है। उन्होंने मैक्सिमम वेजेस लगा दिए, सीलिंग लगा दी कि भाई इससे ज्यादा आप किसी भी चीज को इससे ऊपर के दाम पे नहीं बेच सकते हो। ब्रेड और सामान, वेजिटेबल्स की राशनिंग कर दी, ग्रेन्स की। ठीक है, उसके बाद पेजेंट्स जो गांव में थे उनको बोला तुम आओ, तुम शहर में आकर के सामान बेचो, तुम्हें गाँव में नहीं बेचना भाई, तुमको उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं कमाने देना है क्योंकि तुमने मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर रखा है। तुम उनको गाँव से शहर भी बुला रहे हो, वहां पर उनको टैक्सेस भी भरना है, ट्रैवल कॉस्ट भी भरना है, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था। अब इन सारी चीजों की वजह से लोग परेशान हो गए थे मैक्सवेल एंड रोबेस्पियर से। इतना ही नहीं बच्चों, उन्होंने सारे चर्चेस बंद करा दिए। चर्चेस बंद करा करके क्या करते हैं, उसको बैरिक्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स में चेंज कर देते। देखो, कुछ भी करने का रिलीजियस बिलीफ सिस्टम से और वैल्यूज से नहीं खेलने का। इतना ही नहीं, वो जो है औरतों को भी पनिश कर रहे थे, मतलब ही वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वॉज नॉट फेयर। वेरी ऑनेस्टली काफी अजीब रैंडम हरकतें रहती थी उनकी। तो अब लोगों ने कहा कि भाई, उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम अमीर हो तो क्या हुआ, तुम महंगा ब्रेड नहीं खाओगे, सब लोग इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे, सस्ता ब्रेड खाएंगे, तो अमीर तो ऑफेंड हो जाएंगे ना इस बात से। वो कहेंगे कि भाई हमने पैसे इसलिए थोड़ी कमाएंगे, हम सस्ता खाना खाया, हमें जो खाना है हम वो खाना चाहते हैं, हम वो खा कर रहेंगे। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने कहा कि मॉन्श्योर, मैडम, ये इतना सुंदर लैंग्वेज में जो एक दूसरे को मैडम सर करके एड्रेस कर, तो ये सब नहीं करना है। सिटोयन यानी कि मेल सिटीजन, एंड सिटोइनी यानी कि फीमेल सिटीजन करके एक दूसरे को एड्रेस करना है। इन सारी चीजों की वजह से उनके अपने पार्टी के लोग भी, अपने लोग भी जो उनको मदद के लिए कुछ कहते थे, उनको क्रिटिसिज्म की तरह लेकर के जेल में डाल देते थे मैक्सवेल एंड रोबेस्पियर। और अगर उनके कोर्ट को लगा ये गिल्टी है तो उन्हें गिलिटीन कर दिया जाता था। ये देखो, ये गिलिटीन मशीन है, ये ऊपर ब्लेड है, यहाँ पे सर लगा करके और ऐसा काट दिया जाता था। तो ये सबको गिलिटीन कर दिया कर देते थे। लेकिन 1794 में जब इनके अगेंस्ट केस चला तो इनको खुद ही गिलिटीन कर दिया गया। जब इनको गिलिटीन किया गया, वापस कोई सरकार नहीं थी, तो वो वापस जो रिच लोग थे नेशनल असेंबली वाले, वो फिर से आ जाते हैं, फिर से वोटिंग राइट्स गरीब लोगों से छिनकर सिर्फ रिच लोगों को दे दी जाती है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है।
अब की बार सरकार ये गलती नहीं करना चाहती है जो पहले कर चुकी थी, विच वॉज कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ वन, एक बॉडी डिपार्टमेंट या एक इंसान के हाथ में सारा पावर नहीं देना है। तो अब वो क्या करती है, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो लॉ मेकिंग बॉडीज बनाती है और साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बनाती है, यानी कि जो लॉज को एग्जीक्यूट करेगा उसमें 5 लोगों को रखती है, 5 डायरेक्टर्स को रखती है। इसीलिए इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को द डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है और मैक्समिलियन रोबेस्पियर के गवर्नमेंट को कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इट वॉज नॉट कन्वेंशनल बट इज नोन एज कन्वेंशन। अब ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये जो 5 एग्जीक्यूटिव्स हैं और ये जो लॉ मेकर्स हैं, फनी बात ये है कि ये आपस में हमेशा लड़ते ही रहते हैं और 10 साल तक इतनी लड़ाई करते हैं कि फ्रांस की गवर्नमेंट बहुत ही इनस्टेबल हो जाती है, इतनी ज्यादा कि नेपोलियन बोनापार्ते नाम के इंसान को मौका मिल जाता है आकर के फ्रांस के ऊपर कब्जा करने का, और वो ऐसा ही करते हैं। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये ऐसे सेशंस तो चलते रहेंगे। लाइक कर दो वीडियो और फटाफट शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब यहाँ तक समझ आ गया। अब औरतों का क्या, अभी तक हम देख रहे हैं औरतें जो है वो अपनी राइट टू वोट के लिए लड़े जा रही हैं। तो औरतें पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव थी, उनको बस राइट्स सही नहीं मिले थे। दिक्कत ये थी कि एक्टिविस्ट भी ना मोस्टली थर्ड स्टेट की औरतें नहीं हो पाती थी क्योंकि वो गरीब पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी। मोस्टली ये सारे राइट्स और ये वाले ना रिच फैमिली के लोग या पढ़े लिखे लोग, वो लोग या मिडिल क्लास वाले लोग फाइट किया करते थे। क्या मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट, उन्हें तो काम जॉब भी करना पड़ता था। मतलब सोचो एक ऐसे सोसाइटी में जहाँ औरत को राइट टू वोट नहीं है लेकिन जॉब करने दिया जा रहा है, बट सैड पार्ट ये है कि जो पैसे जो वेजेस उन्हें दिए जा रहे हैं वो मर्दों से कम ही मिल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द वुमेन हैड टू वर्क बहुत मीनियल जॉब्स, जैसे कि किसी के घर में झाड़ू पोछा करना, हाउस होल्ड का हेल्प करना, सीमस्ट्रेस, ड्रेसेस बनाना हाथ से सिल सिल करके, फूड स्टॉल्स वगैरह चलाना, मतलब बहुत पैसे वाले जॉब्स नहीं थे, ऐसे मीनियल जॉब्स करते थे। क्योंकि क्योंकि ना उनको एडुकेशन ना कोई जॉब ट्रेनिंग थी। औरतों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि जब नेशनल असेंबली आएगा 1791 में तो वो उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगा, उनके लिए कुछ करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं और इस बात से खासकर और ज़्यादा कि उनको एक्टिव तो छोड़ो पैसिव सिटीजन में रिड्यूस कर दिया गया है। फिर वो अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाती हैं, उनका रेवोल्यूशन चलता रहता है। उनके दिमाग में एक सिंपल सी बात है, अपना हक जमाना है, अपनी इक्वल राइट्स चाहिए तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए, तो वोटिंग राइट्स तो चाहिए ही चाहिए होंगे। ठीक है, ये थी। अब क्या है बच्चे, इसके पहले लोगों को एडुकेशन ट्रेनिंग कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है जिससे ये डिसअपॉइंटेड थे, उसने कुछ चीज़ें अच्छी की। उन्होंने स्टेट स्कूल्स बना दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पे सबका जाना कंपल्सरी था लड़कियों का। अब जब लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं तो उनके परिवार वाले उनकी ज़बरदस्ती शादी भी नहीं करा सकते थे, जो कि पहले ऐसा होता था। पहले जो मिडिल क्लास या हाई क्लास वाली औरतें होती थी उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी बट उनकी शादी जबरदस्ती परिवार वाले करा देते थे। यहाँ अब ऐसा नहीं होता था। साथ ही साथ डिवोर्स भी लीगल कर दिया गया था, और ना ही सिर्फ मर्द जबकि औरत भी उसके लिए अप्लाई कर सकती थी। कई सारे औरतों के लिए जॉब ट्रेनिंग और ये सारी ट्रेनिंग जो है वो भी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी चालू कर दी, ताकि वो स्मॉल आर्टिस्ट या कुछ बिजनेस चला सके और इंडिपेंडेंट बन सके। बट औरतों की लड़ाई खत्म नहीं हुई बच्चों, पूरे पूरे 200 साल तक वो इक्वल वेजेस और साथ ही साथ वोटिंग राइट्स के लिए लड़ते रहे। फाइनली इंडिया की आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में उन्हें भी मिल जाती है आज़ादी। अब ये औरतों की बात है, इनमें से एक औरत जो है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी वो थी ओलंपे देगू, जिनको मैक्समिलियन रोबेस्पियर के एरा में ऑब्वियसली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। इट्स वेरी सैड बट यस दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड शी वाज रियली अपसेट विद व्हाट हैड हैपेंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब उन्होंने राइट्स जो है सिर्फ मर्दों के लिए बनाए। इन्होंने खुद से एक डॉक्यूमेंट लिखी वेयर शी रोट लाइक अ डिक्लेरेशन ऑफ वेमेन एंड सिटीजन्स, और वो मैरी एंटोनिएट के पास लेकर गई, नेशनल असेंबली के पास लेकर गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कन्वेंशन गवर्नमेंट यानी कि मैक्समिलियन रोबेस्पियर का गवर्नमेंट आता है, खुलकर बोलती हैं कि यार ये सारे पॉलिटिकल क्लब्स बंद करवा दे रहे हैं, हमें परेशान करा रहे हैं, कोई आज़ादी नहीं दे रहे, तो भाई ये इंसान जो सीवियर कंट्रोल कर रहा है, पनिशमेंट दे रहा है, वो कैसे इस बात को सुन लेता। उसने एग्जीक्यूट करा दिया उन्हें। ठीक है, अब स्लेवरी की बात कर ले, बंधुआ मजदूरी। बच्चे स्लेव ट्रेड जो है वो शुरू तो 17वीं सेंचुरी में हो गया था, और ज़्यादा इसको लेकर के ना नुकुर भी किसी ने नहीं किया, बहुत मना करना नहीं करना ऐसा किसी ने नहीं बोला।
नेशनल असेंबली जब फॉर्म हुई और जब वो सिटीजन्स के लिए राइट्स लिख रही थी, उनकी एक डिजायर थी कि ये जो कॉलोनीज है फ्रांस की, वहां पे स्लेव्स के लिए भी ये चीज इंप्लीमेंट की जाए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई. क्यों? तो मैं बता दूं, स्लेव ट्रेड था क्या? ये एक ट्रायंगुलर ट्रेड था बिटवीन अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका. अफ्रीका से चीफटन्स हुआ करते थे, वहां पे लीडर्स हुआ करते थे, वो गरीब लोगों को जबरदस्ती भेज दिया करते थे. क्यों? फ्रांस की अलग अलग जगह कॉलोनीज थी जहां पे वो टोबैको, इंडिगो, ये सारे कैश क्रॉप्स ग्रो किया करते थे. अब उस पर काम करना जरूरी था मैनुअली. अब फ्रांस के लोग फ्रांस से वहां जाकर के करिबियन में इधर उधर वर नॉट रेडी टू वर्क. तो इन्होंने कहा दूसरे देश से लोगों को खरीद कर लाओ, उनसे जी तोड़ जानवरों की तरह काम करवाओ. ऐसा ही किया इन्होंने. स्लेवरी ट्रेड, बच्चे मैंने और अच्छे से डिटेल में सेशन में एक्सप्लेन किया है और माइन्यूट डिटेल्स दी है. बेसिक आइडिया तो आपको वैसे भी लग गया होगा. तो चीफटन्स जो है जाके अफ्रीका से लोगों को लाते थे, यूरोप तक पहुंचाते थे, फिर वहां से करिबियन ले जाते थे. ऐसे करके स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गया था. नेशनल असेंबली चाहती थी इनके लिए कुछ करना पर नहीं कर सकी, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स वर रिच पेजेंट ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन. वो दुखी हो जाते उनका पैसा, या आप नांदेज एंड बोर्डो, ये जो दो सिटीज हैं जो प्रॉस्परस थी बहुत, इनका पैसा ये सब लोग स्लेव्स को ओ करते हैं. स्लेव्स ने इतना काम किया कि इनके पास इतना पैसा आ सका. बट नेवरदलेस 1971 में नेशनल असेंबली कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि भाई उनके ही लोग जो है वो पैसा यहीं से गेन कर रहे थे, तो वो कुछ नहीं बोलती है. लेकिन जब कन्वेंशन यानी कि मैक्सवेल रोबेस्पियर की सरकार आती है तो वो इसे हटा देती है 1794 में. एक अच्छी चीज जो कन्वेंशन गवर्नमेंट ने करी. लेकिन 10 ज्यादा दिन तक ये खुशी जी नहीं गई स्लेव्स के द्वारा. 10 साल के बाद क्या हो जाता है, नेपोलियन बोनापार्ते आते हैं वापस और रीस्टैब्लिश कर देते हैं स्लेवरी. फिर फ्रांस में जाकर फाइनली 1848 में स्लेवरी खत्म होती है. अब बात करें रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ की, तो बच्चे द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ने साफ साफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया था. पहले क्या हुआ करता था, सेंसरशिप यानी कि रोक टोक, लिमिटेशंस, लोगों को बांध कर रखना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देना. मैं कोई पोम लिख रही हूँ, मैं कोई प्ले लिख रही हूँ, मैं कोई न्यूज लिख रही हूँ, आर्टिकल लिख रही हूँ, सब कुछ किंग के कोर्ट में जाएगा. वहां पर उनके लोग देखेंगे कि हमारे किंग और किंगडम के अगेंस्ट तो कुछ नहीं लिखा है. अगर वो अप्रूव करेंगे तो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, वरना वो वहीं दफन हो जाएगा. लेकिन नेशनल असेंबली ने इससे आजादी दे दी. उन्होंने कहा गो हैड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इफ यू वॉन्ट, यू हैव द राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, नो मोर सेंसरशिप. तो लोग खुशी खुशी एंजॉय तो बहुत कर रहे थे. रीन ऑफ टेरर में वो थोड़ा सा ऑफकोर्स बिगड़ गया था, लेकिन डायरेक्टली क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो नेपोलियन आ जाते हैं, ये हमें समझ आ गया, ठीक है. नेपोलियन इंट्रोड्यूस करते हैं. अब देखो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने आकर के बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए, कुछ अच्छे कुछ बुरे. लॉज जो उन्होंने बनाए वो तो बहुत अच्छे थे, बर्थ प्रिविलेजेस हटा दिए, ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर दे दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्यूडल सिस्टम को हटा के प्राइवेट प्रॉपर्टी का काम दे दिया कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो, आप भाई कमा रहे हो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो, ठीक है, ये सब कर दिया. तो द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या लेगेसी थी, क्या छाप छोड़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का. और ये स्प्रेड होता गया फ्रांस से पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, पूरे देश में और हर जगह. हमारे कई सारे लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, राजा राम मोहन रॉय, टीपू सुल्तान, है ना. हमारा नेशनलिज्म का एक वेव जो चला, फिर जिसकी वजह से हम ब्रिटिशर से लड़े, ये वेव यूरोप से शुरू हुआ था और ये सब की जड़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन था. दैट इज हाउ अमेजिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज एंड वॉज. आप बात ये कर ले कि क्लास के अंदर बैठे बैठे अगर आपकी डाउट सॉल्व हो जाए, आपको क्विजेस भी करने को मिले और लीडर बोर्ड भी मिले, असाइनमेंट भी मिले, क्लास नोट्स भी मिले, स्टडी के लिए लाइव मतलब आपको सॉफ्ट कॉपीज मटेरियल भी मिले, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और ये चाहिए हो सकता है कि मैम 5000 कैसे यार, तो एंड प्रो कोड लगा दो, ठीक है, यहाँ पे कोड लगा दीजिए एंड प्रो. जैसे ही लगाओगे ये पूरा कोर्स पूरे साल के लिए सिर्फ 4500 रुपए में आपको मिल जाएगा. नाउ लेट मी क्विकली बिफोर द होमवर्क क्वेश्चन शो यू व्हाट यू नीड टू डू. सो गाइस दिस इज द सेशन. फॉर एग्जांपल इफ यू आर वाचिंग, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक पुराना सेशन मैंने लिया है. आपको सारे लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे दिखेंगे, ठीक है. ये देखिए प्रोलाइट सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही.
आपको चैट में भी यहाँ पे पिंड दिखेगा पहला कमेंट, ठीक है? तो आपने बस इस लिंक पे जाना है, सॉरी माय बैड, यहाँ नहीं, यहाँ ये लिंक पे जाना है। और ये देखो है ना, आपको सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई, अभी 30 मई को एक नया बैच शुरू होने वाला है, खुशी खुशी ज्वाइन कर लो। क्लास में टॉप मास्टर टीचर्स पढ़ाएंगे, क्लास में ही डाउट्स क्लास टीचर्स सॉल्व करेंगे, लाइव क्विजेस, लीडर बोर्ड मिलेगा, टेस्ट सीरीज सोल्यूशन मिलेगा, पूरा कोर्स 500 से ज्यादा स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपए में, एक्स्ट्रा 18% ऑफ। जस्ट टेक इट, ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट डिसीजन यू विल मेक। और आपको सेशन रीप्ले, ठीक है, मतलब ये जो सेशन रीप्लेज होते हैं, नोट्स होते हैं, वो सारे प्रोविजंस भी मिलेंगे, ठीक है? मैं दिखा दूं क्या होता है कि जब आप एडमिशन ले लेते हो बच्चों, तो ऐसा ऐसे एक डैशबोर्ड मिलता है जहां पे अपकमिंग, पास्ट सारे सेशंस लिखते हैं। ये देखो पुराने सेशंस हैं, इसमें आप जाके रीप्ले देख सकते हो, नोट्स देख सकते हो, ऐसे ओपन करोगे तो ऐसे नोट्स दिख जाएंगे आपको, ये नोट्स भी मिलेंगे, आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? आपको ये नोट्स के साथ साथ रीप्ले देखना है, भाई मुझे कोई पुराना सेशन है वो देखना है तो मैं इसको रीप्ले पे जाऊं, आप देखो रीप्ले भी दिखेगा, आप देखो इतने सारे क्विज क्वेश्चंस किए हैं हमने बच्चों के साथ, ऐसा था, ठीक है? ये सारा आप ये दोबारा सेशन वॉच कर पाओगे ऐसा करके, ये देखो मैम पढ़ाती हुई दिखेंगी आपको यहाँ पे, यू विल बी एबल टू वॉच द सेशन। तो ये सारे प्रोविजंस आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपए पूरे ईयर के लिए, इससे बढ़िया सस्ता और टिकाऊ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जवाब आपको देना है कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना। क्वेश्चन है, व्हेन डिड विमेन फाइनली विन राइट टू वोट इन फ्रांस? 1945, 1946, 1948 और 1947, ठीक है? अगेन लिंक मैंने आपको दिखा भी दिया है, कोड बता भी दिया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी, भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, आई एंजॉयड अ लॉट, आई होप यू डिड टू। सी यू गाइस सून एंड टेक केयर।